मॉर्निंग क्लास फर्स्ट बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास है। सो ओपन योर हिंदी रीडर बुक निरंजना। यस बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, मछली रानी बड़ी की मात्रा। ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर फाइव। चैप्टर मतलब इसमें कौन सी मात्रा? छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है। अच्छा बच्चों, मुझे आप ये बताइए, आप लोग अपना वर्क कर रहे हैं कंप्लीट? क्योंकि आप अगर अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं तो आप मुझे सेंड नहीं करते बिल्कुल काम को। आप काम करते हैं तो आप सेंड करा कीजिए ग्रुप में, कैसे पता चलेगा बच्चों आप कर रहे हैं? ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 33 ओपन करेंगे सभी बच्चे। छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है। छोटे ऊ की मात्रा क्या होती है? ये ऊ। छोटे ऊ की मात्रा कैसे बोलते हैं? ऊ। ठीक है, ग ऊ, ल आब गुलाब, म उ क उ ट मुकुट, स उ र आ ह ई सुराही। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे ये जो रेड पेन से रेड कलर से लिखा हुआ है छोटे उ की मात्रा। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। क उ ल कुल, ख उ ल खुल, प उ ल पुल, स उ न सुन, ध उ न धुन, त उ ल आतुला, प उत्र पुत्र, सा ब उ न साबुन, म न उ मनु, य म उ न यमुना, च उ ह ई य आ चुईया। सारी मात्राओं को पढ़ेंगे। ठीक है, एक मैंने आपको बता दी, वैसे करके इनको भी रीड करेंगे। क उ टी या कुटिया, प उ जारी पुजारी, जा म उ न जामुन, म उ क उ ट मुकुट, म उ र ली मुरली, क उ स र सी कुर्सी, त उ ल सी तुलसी, ग उ ज रात गुजरात, म उ ल यम मुलायम। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर है, चैप्टर का क्या नाम है? हर स उ ब ह सुबह एक, ब उ ल बुल, ब उ ल बुल आती आती। हर सुबह कौन आती है? एक बुलबुल आती है, बुलबुल। ये देखो ये रही बुलबुल, कितनी सुंदर बुलबुल है ना। चलिए चैप्टर पढ़ते। हर स उ ब सुबह एक, ब उ ल बुल, ब उ ल बुल 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 आती, म ध उ र मधुर। जितने भी रेड कलर से मांग है, रेड कलर से जो मात्रा है छोटे ऊ की है। ठीक है, म ध उर मधुर, सा गीत, स उ नाती सुनाती, वह सबका दिल बहलाती, ग उ न गुन, ग उ नाती गुनगुनाती, मीठा गीत, स उ नाती सुनाती, म उ क उल मुकुल, स उ म न सुमन, त उम तुम भी सुनो, स उ न सुनो, ब उल बुल, ब उल बुल बुलबुल का मीठा गाना, स ऊनो सुनो। अब हम रीड करेंगे फिर से एक साथ। हर सुबह एक बुलबुल आती, मधुर मधुर सा गीत सुनाती, वह सबका दिल बहलाती, गुनगुनाती मीठा गीत सुनाती, मुकुल सुमन तुम भी सुनो, बुलबुल का मीठा गाना सुनो। ठीक है, हर सुबह कौन आती है? हर मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग कौन आती है? बुलबुल आती है। ठीक है, और वो क्या करती है? गीत सुनाती है। ठीक है, और क्या करती है? सबका दिल बहलाती है। वो कैसा गाना, कैसा गीत सुनाती है? वो मीठा। उसका गाना सुनने के लिए कौन कौन बच्चे आए? देखो दो बच्चे आए, मुकुल और सुमन। कौन से दो बच्चे आए? मुकुल और सुमन। ठीक है, बुलबुल का मीठा गाना सुनने के लिए। ठीक है, नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 34 लिख के दोहराइए। ये आपको बोलकर पढ़ना, साबुन चुईया गुलाब मुलायम मुरली पुजारी सुबह चतुर यमुना। इनको आपको ये डॉट्स हैं, आपको ये डॉट्स फिल करने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर डॉट फिल कर दिए हैं पहले ही। पशु खुल, प श उ पशु, ख उ ल खुल, क छ उआ कछुआ, बुल बुल जैसे भी पीछे पड़ा था, ब उल बुल, ब उल बुल बुल बुल। ठीक है, अभी आपके प्रश्न उत्तर हैं। ये भी, ये आपको किस में करना है? आपको ये हिंदी आर की
कॉपी में करने हैं, ठीक है। एक एक लाइन के, एक एक लाइन भी नहीं, एक एक वर्ड के आंसर हैं आपके ये, ठीक है। प्रश्न क, हर सुबह कौन आती है, हर सुबह कौन आती है, बुलबुल। कौन आती है हर सुबह, बुलबुल, बुलबुल, ठीक है। प्रश्न ख, बुलबुल का गाना सुनने कौन कौन आया, बुलबुल का गाना सुनने के लिए दो बच्चे आए थे ना, कौन थे वो, मुकुल और सुमन। कौन कौन आया, मुकुल और सुमन, और लिख देते बीच में, चलो और नहीं लिखते, ऐसा करते और नहीं लगाते, मुकुल और सुमन ओनली, ठीक है। बुलबुल का गाना सुनने कौन कौन आया, कौन से दो बच्चे आए थे, मुकुल और सुमन, ठीक है। प्रश्न का, बुलबुल कैसा गाना गाती है, कैसा गाना गाती है बुलबुल, मीठा गाना गाती है, कैसे गाती है, मीठा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको चैप्टर रीड करना है, आपको 10 शब्द लिखने हैं छोटे ऊ की मात्रा के, ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा के आपको 10 शब्द लिखने हैं। और ये जो प्रश्न उत्तर है, 3 है छोटे छोटे, एक एक वर्ड के आंसर है, आपको ये हिंदी आर की कॉपी में करना है। और मैं आपकी बच्चों रिवीजन करवा देती हूँ, ठीक है। आज हम ये करेंगे, ये आपको हिंदी जी की कॉपी में करना है, ये वैसे भी आपको आता है तो इसलिए हम इसको हिंदी जी की कॉपी में कर लेते हैं, ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। एक बार फलों के नाम है, फ्रूट्स नेम, हिंदी में आम, केला, अनार, संतरा, अंगूर, पपीता, ठीक है। मैंने ज़्यादा नहीं लिखे हैं, मैंने फलों और सब्जियों के नाम 6-6 लिखे हैं, 6-6 लिखे हैं ओनली, ठीक है। आप इसमें नंबरिंग कर लेना यहाँ पर भी, ठीक है। सब्जियों के नाम क्या क्या हैं, आलू, प्याज, टमाटर, करेला, ओहो गोभी रह गया एक, ठीक है बच्चों, गोभी, बैंगन, ठीक है। ये जो वो सब्जियाँ हैं जो डेली मतलब आप लोग खाते, आप लोगों ने खाया ही खाया है सब्जियों को, ठीक है। और भी फलों के नाम, सब्जियों के नाम है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। बट आपको आने चाहिए फलों और सब्जियों के नाम, जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम, ठीक है। जानवरों के नाम देखो, शेर, चीता, बंदर, भालू, हिरन, बिल्ली, कुत्ता, ठीक है। पक्षियों के नाम, चिड़िया, कबूतर, तोता, उल्लू, चील, मोर, कोयल। जानवर कौन होते हैं बच्चों, एनिमल्स कौन होते हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं। और पक्षी कौन होते हैं, जो फ्लाई करते हैं, जो उड़ते हैं। पक्षी कौन होते हैं, जो उड़ सकते हैं, ठीक है। और जानवर कौन होते हैं, जो ज़मीन पर चलते हैं, जो मतलब उड़ नहीं सकते, और पक्षी उड़ सकते हैं, ठीक है। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, फलों के नाम आम, केला, अनार, संतरा, अंगूर, पपीता। सब्जियों के नाम आलू, प्याज, टमाटर, करेला, गोभी, बैंगन। जानवरों के नाम शेर, चीता, बंदर, भालू, हिरन, बिल्ली, कुत्ता। पक्षियों के नाम चिड़िया, कबूतर, तोता, उल्लू, चील, मोर, कोयल, ठीक है। लास्ट टाइम बच्चों अगर याद हो तो आपको हमने नाम वाले शब्द करे थे, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है, ये नाम वाले शब्द भी हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सभी के नाम आ रहे हैं, फलों के नाम आ रहे हैं अलग अलग, सब्जियों के नाम आ रहे हैं, जानवरों के नाम आ रहे हैं, पक्षियों के नाम आ रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से क्या है, ये नाम वाले शब्द भी है। ये वाला काम आप हिंदी जी की कॉपी में करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, आज हम इतना ही करेंगे, बस काम बहुत ज़्यादा नहीं है, ये तो आपको आते हैं, रिविज़न है ओनली। ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर।